नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर जहां प्रदेश में पिछले दिनों ड्राई रन चलाया गया था, वहीं जनपद गाजीपुर में आज 6 स्थानों जिसमें जिला पुरुष अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंडा, रेवतीपुर, मनिहारी, मोहम्मदाबाद में ड्राई रन कार्यक्रम का आयोजन नोडल अधिकारियों के देखरेख में शुरू किया गया। जिला महिला अस्पताल में ड्राई रन का कार्यक्रम मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तारकेश्वर की देखरेख में शुरू किया गया, जहां पर कुल 25 बेनिफिशियरी का नाम लिस्टेड किया गया था, जिन्हें सर्वप्रथम सुरक्षा में लगाए गए सुरक्षाकर्मियों के द्वारा उनके मोबाइल पर आए मैसेज से लिस्ट का मिलान किया गया, जिसके पश्चात उन्हें प्रथम कक्ष में भेजा गया, जहाँ पर वेरीफायर के द्वारा लिस्ट को डेमो कोविन पोर्टल पर मिलान कर डाटा अपलोड किया गया और उसके पश्चात वैक्सीनेशन के लिए दूसरे कक्ष में भेजा गया, जहां पर उनका फिर से वेरिफिकेशन कर वहां पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा उनका डेमो वैक्सीनेशन कर उन्हें तीसरे कक्ष में 30 मिनट के प्रतीक्षालय में बैठाया गया, जहां पर वैक्सीनेशन हुए व्यक्ति का यदि 30 मिनट के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो उन्हें छोड़ दिया गया और यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसके अनुसार वहां पर लगाए गए बेड पर उनका इलाज किया गया। वहीं रेवतीपुर स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के दौरान रिएक्शन कर देने पर 108 एम्बुलेंस के द्वारा किस तरीके से उसका रेस्क्यू किया जाएगा, इसका भी डेमो ड्राई रन में किया गया, ताकि असल में होने वाले वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आराम से ऊपर ऊपर बैठो, राइट करिए सर, ठीक लग रहा है ना? ठीक लग रहा है। कोविड से बचाव के लिए ये वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसमें हम लोगों को वैक्सीन जो लगाना है उसके लिए सारी टीम की व्यवस्था कर ली गई है। इसके लिए हमारे यहाँ 3 कमरे बनाए गए हैं, एक प्रतीक्षालय है, उसमें लिस्ट के अनुसार वो आएंगे, अपना नाम का मिलान करके वहाँ पे बैठेंगे, उसके बाद वेरीफायर होगा, पहले कक्ष में प्रतीक्षालय में वेरीफायर होगा, वो नाम को लिस्ट को देखते हुए उनका वेरीफाई करेगा, आईडी कार्ड उनका कोई भी आईडी कार्ड होगा उसे मिलान करेगा, उसके बाद फिर वो वैक्सीन कक्ष में भेजेगा। दूसरा कक्ष जो है वैक्सीन का है, वहाँ पे वैक्सीनेटर जो हैं वो इसके नाम को मिला करके फिर वो वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे तक कम से कम उनको प्रतीक्षालय में बैठाया जाएगा, अगर कोई रिएक्शन वगैरह नहीं होता है तो उनको वापस भेज दिया जाएगा, अगर कोई रिएक्शन वगैरह होता है या कोई अनटूवर्ड्स होता है तो उसके आधार पर उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। ऐसे में अब तक कितने लोगों का भी वैक्सीनेशन का मतलब किया गया? आज का जो टारगेट है, आज हमारे यहाँ 25 लोगों का लगाने का लक्ष्य रखा गया है।